मॉर्निंग गाइज, दिस इज साक्षी धंजल, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज माई रूम एंड आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में एंड देर इज सो मच टू कवर टूडे एंड दिस इज द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग. आई ऑलरेडी मेंशन द नेम, अगर आपने अभी तक सर्च नहीं किया इस जगह को, यू मस्ट, दिस इज दी एक्चुअली यू नो क्या कहते हैं, इट्स द होम स्टे विद द होम फूड एंड द होम वाइब्स एंड दिस इज द प्लान, यू नो. सी, मतलब राकेश ने सारा डिसाइड करके रखा व्हाट वी हैव टू डू टुडे एंड व्हाट वी हैव टू कवर टुडे. सो दिस इज द फूड फॉर टुडे, दिस इज अ मिक्स पराठा, दिस इज दम आलू एंड राकेश ऑलरेडी काम कर रहा है कंटेंट. नहीं, एक घंटे तक किसने कहा जमती नहीं है लेक? यार बहुत लोगों ने रिकमेंड किया उस लेक का, बट ऐसी एक लेक है वो जमती नहीं है, बट देखते हैं, लेट्स वर्क. अगर नहीं, कोई बात नहीं, हम इस कंटेंट पे काम करते हैं पहले, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फूड की पूरा यहाँ पे, मतलब होम मेड फूड्स द बेस्ट थिंग इज दिस. आई एम टेलिंग यू गाइस, हम अपनी डेस्टिनेशन जा रहे हैं आज पहली, और आज अभी बज रहा है 1:30 बिकॉज हम आज रेस्ट कर रहे थे, हम टायर्ड थे कितने दिनों से. एंड ही इज़ गोइंग टू गिव मी सरप्राइज, आई डोंट नो ये कहाँ लेके जा रहा है. ही हैज़ प्लान्ड ऑल द ट्रिप ऑल द वे, गंगटोक का घूमना और गंगटोक की फेवरेट प्लेसेस एंड ऑल एंड बेसिकली सिक्किम की. एंड आपको लोगों को पता होगा गंगटोक सिक्किम में, मतलब पता है तो कमेंट करके बताओ कि गंगटोक सिक्किम की क्या लगती है. इज इट कैपिटल? इज आई एम राइट? आई डोंट नो, कमेंट करके बताओ फटाफट से नीचे. बच्चे बताएंगे, बच्चों को स्टडी में आता है. अच्छा, बच्चों की स्टडी में तो ये भी आता है कि कंचनजंगा के बारे में, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता था. कंचनजंगा के बारे में मैं शेयर करूंगी जल्दी गाइस. अच्छा, कंचनजंगा के बारे में मैं जल्दी शेयर करूंगी अपनी वीडियोस पे. अभी चलते हैं और मैं स्टे कर रही हूँ इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ. यार ये प्रॉपर्टी बहुत ही सही है. हू सेड ही इज नॉट हेल्पफुल, इज ऑलवेज हेल्पफुल. और पता है ये एड्रेस इस जगह का गाइस, यहाँ मैं रुकी हूँ, दिस इज द एड्रेस. अगर कोई ब्लॉग देख रहा है दैट एक्चुअली यू नो इफ यू आर कमिंग सिक्किम, दिस इज रियली ब्यूटीफुल एंड बजटेड होमस्टे. मैं बड़ा शेयर करने वाली हूँ इस जगह का. गोलगप्पे बाद में, पहले बताओ कि हम कहाँ हैं. वी आर एट ताशी व्यू पॉइंट. ओके, पहले आ जाओ ऊपर चलते हैं. दिखता है कंचनजंगा, दिखता है यहाँ से शायद, बाकी नहीं तो क्रैक व्यू पॉइंट भी है एक, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड सर्कल है, मतलब ये बता रहा है. अच्छा, रिवील कर दिया, ठीक है. तो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ सरप्राइज, क्रैक व्यू पॉइंट भी है एक, तो वहां से शायद से दिखता है. सो गाइस, यहां पर धुंध चली चढ़ी हुई है, पूरी पूरा धुंध है, पहाड़ियों पे धुंध चढ़ रखी है, तो कुछ दिख नहीं रहा. यहाँ से पीक्स दिखते हैं और वो भी काफी सारे, उधर भी बस बस एक कर रहे बार बार फोटो. अच्छे पेड़ आए डू नॉट क्लाइम. मौसम एकदम से बदल गया, देखते हैं अंदर क्या क्या है. यहाँ पे ये लोकल शॉप है यहाँ की, इसमें आप चीज़ें खरीद सकते हो. सो गाइस, आप यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटोज़ खिंचवा सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि इन लोगों ने पहनी हुई है. प्लस हमें कुछ शॉप नहीं किया क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, बट आप कैश लाओगे तो आप शॉपिंग कर सकते हो. पीछे जाके आप मेकअप की सेल्फियाँ ले सकते हो कुछ इस तरह की, जैसे ये लोग ले रहे हैं इस व्यू पॉइंट पे. ये पीछे गार्डन बंद है, नहीं तो मैं तो जंप मार के जाने की सोच रही थी. यहाँ पे बड़ी प्यारी पिक्चर्स आती. चलो, सो गाइस, हम पहुँचे हैं यहाँ पे गंगटोक में, मतलब मार्केट एरिया में, क्योंकि यहाँ पे कैफ़े है बहुत सेक्सी सा जिसका नाम है लोकल. ऑब्वियसली आप दिल्ली वाले लोकल से कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो मार्वलेस है. और गंगटोक में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस टाइप का मतलब एरिया होगा और आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेंड्स. और मतलब रिलायंस यहाँ पहुँच चुका है और KFC ने भी यहाँ पे मार्केट जमा ली है. सो लेट्स गो इनसाइड एंड जस्ट लुक फॉर द कैफ़े, कि कैफ़े कैसा है, क्योंकि आई एम हंग्री. इट्स लाइक हमने अभी कुछ ऐसा डिस्कवर नहीं करा, बट कैफ़े खा के आई विल टेल यू द फूड दैट हाउ इज़ द कैफ़े. सो फाइनली वी आर हियर द लोकल कैफ़े, लेट्स रोल इन.
that's the menu of this place and you know everything is really budgeted. मुझे बोलना चाहिए, don't you agree this thing कि मतलब गंगटोक या सिक्किम या फिर बिहार में सब चीज़ बहुत बजट में है? बिहार का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि बिहार तो फिर भी मतलब वहाँ पे चीज़ें, यहाँ का रेट, मेन्यू, हमस पिता नहीं. हेलो काजू. नो हेलो, शी इज वेरी बिजी. So this is Mexican patty or we have ordered a water lemon. कैसा है Mexican? अच्छा रहा, okay. और this is water lemon. कैसा water lemon? Fresh है, एकदम fresh है. वो भी remember our incidents of water lemon वाला, उससे fresh है. हमारे side का मीठा ही नहीं है, इतना मीठा नहीं है. So I have ordered this old coffee. So ये ना बिल्कुल अभी beans से बनाई है and it is really strong. मतलब मैं इतनी strong भी थी, उससे double strong है. पता है वो beans का बिल्कुल taste आ रहा है. So guys, ये जूलॉजिकल पार्क है जो कि अभी बंद पड़ा है. देखना पड़ेगा क्या रीजन से, बट हम गणेश टॉक आए हैं. सो गणेश टॉक यहाँ की वन ऑफ दी फेमस प्लेसेस में से एक है जहाँ के बहुत टूरिस्ट विजिट करते हैं. तो अब हम एंटर कर रहे हैं प्लांट कंट्रोवर्सी जो कि खुली हुई है. अच्छा कैश है, यहाँ पर पहुँचोगे गूगल एक्सेप्टेड नहीं है. तो 20 रुपीज़ यहाँ की चार्जेस हैं. डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, ओके वी वॉन्ट इट्स लुक प्यारी प्लेस. आज की दूसरी डेस्टिनेशन, मतलब एक तरह से तीसरी डेस्टिनेशन हमारी. सो गाइस मेरे सामने इस वक्त मेडिकल प्लांट्स अगर आप देखोगे एंड पता है यहाँ पे मतलब पूरा इसमें मतलब मेरे को आरोग्य सेतु मतलब आरोग्य वो याद है, आरोग्य वो जो बंदा था, हाँ आरोग्य वन गुजरात में, हाँ एंड उससे प्यार है, बड़ी उससे बहुत सुंदर है. एग्जैक्टली यहाँ की टिकट भी सस्ती है, वहाँ की टिकट भी कुछ आई गई 50 रुपए की थी. हाँ और यार यहाँ पे 20 रुपए ना यार, 20 रुपए पर. आई एक्चुअली एग्री, मतलब वर्थ करता है, बहुत सुंदर है ना ये जगह. मतलब शाम तुम्हें लग नहीं रहा ना शाम हो रही है, ऐसा लग रहा है ना सुबह सुबह का टाइम है. सो एक्चुअली में मतलब जो ऊपर वाला एरिया है ना वहाँ पे और प्लांटेशन है, सो उस एरिया में. तो गाइस यहाँ पे वाटरफॉल भी है, जैसे कि शाम हो रही है, रियली वांट टू कवर एडवाइस फ्रॉम ट्रीज, स्टैंड टॉल एंड प्राउड. वाओ दैट इज समथिंग वेरी बेस्ट रिटन लाइंस. यहाँ से चलो, लेट्स गो टू वाटरफॉल. बारिश होने का वैसे मौसम हो रहा है. जस्ट चेक आउट द वेदर, मतलब अभी इस वक्त रेन होने वाली है बहुत जबरदस्त. एंड बाहर देखो, मैं शूट कर रही हूँ इस वक्त आईफोन से और आईफोन के वन प्लस मोड पे, मतलब वन एक्स मोड पे. एंड इसको देखो यार, दिस इज ब्यूटिफुल. मतलब आई डोंट नो इसका नाम क्या है फिलहाल, बट मैं मेंशन करूँगी पूछ के, क्योंकि हम आए हैं गार्डन एक्सप्लोर करने, मतलब नर्सरी एक्सप्लोर करने वहाँ में ये मेरा. एंड लुक एट दिस प्लेस, दिस इज ब्यूटीफुल. हम नीचे भी जा सकते हैं बट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, वी डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क क्योंकि आस पास कम ही लोग हैं. बट दिस इज इनक्रेडिबल व्यू यार, होप यू लाइव डेट, मतलब ये आज का बेस्ट. सो मैं सनसेट व्यू पॉइंट पर हूँ और ये मेरी आज की सबसे बेस्ट चीज़ है. अगर मैं पीछे मुड़ूँ तो पता है वहाँ पे अगर पूरा ऐसा हो चुका है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि बारिश का टाइम हो चुका है. एंड इट्स गोना बी रेन टुडे. जस्ट लुक एट इट, मतलब अगर गर्मियाँ होती है कि सिक्किम में इतनी जल्दी गर्मियाँ नहीं पड़ती. आपको ने बताया ना पंखे नहीं होते सिक्किम में घर, मतलब होम से मैंने अभी तक तो देखा नहीं था, अब मैं रुकी हूँ. बट यू नो इट्स अ समथिंग रियली वर्थ कमिंग. तुम्हें कैसा लग रहा है?
सो गाइस स्मृति वन वाटरफॉल का नाम था और वन हाँ एग्जैक्टली और क्या बताया बुलबुले वाटरफॉल तो भैया कह रहे हैं बुलबुले वाटरफॉल था बताया ये जगह मतलब बहुत सुंदर यहाँ पे भी नर्सरी है बट वी आर एक्चुअली लेट वी गोना कम बैक टू दिस प्लेस मॉर्निंग आवर्स में क्योंकि दिस प्लेस इज एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड ह्यूज लुक एट दिस यार मतलब कितना मतलब सुबह के टाइम कितना प्यारा लगेगा अभी तो ये शाम का वक्त है एंड इट्स टाइम टू गो बैक टू द होम स्टे आई एम स्टेइंग विद यू नो वेरी वेल मुझे बताओ कि मेरी प्रॉपर्टी आपको कैसे लगी जिनके साथ मैं स्टे कर रही हूँ हाँ आज मुझे रेट डिस्कस करना है आई डू रिमेंबर दिस थिंग आई एम गोना टेल यू द रेट्स एंड एवरीथिंग मुझे वापस पहुँचने दो अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग मैं कैसे पहुँची क्या हुआ कैसा सफ़र रहा क्योंकि अभी तक मेरा जो पेट्रोल लगा है वो नियर बाई 12,000 लगा है और स्टेज वगैरह खर्चा अलग सो इवन अगर आप आ रहे हो तो यू नो आपको बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ेगा टैक्सीज का एंड ऑल का अगर आप ट्रेन से आ रहे हो मुझे पता है टैक्सी का प्राइस मुझे आपको बताना है डैट आई ऑल्सो आई एम गोना शेयर यू पीपल विद अ प्रॉपर बजट थिंग एंड लेट्स गेट गोइंग टू द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग बैक कितना प्यारा है तो गाइस आज मशरूम है और ये पनीर और शिमला मिर्च का अचार और दाल है खाने में प्लस दिस इज लाइक सैलड एंड मेरी चपाती तो सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि घर का टाइप का खाना खाना एंड आई मतलब आई एम रियली लाइक मशरूम इज टू माय फेवरेट इन एनी केस एंड अचार तो मतलब आई एम लविंग अचार दाल में ज़्यादा नहीं खाऊंगी बिकॉज कल बहुत खाई थी आई गोना टेक वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ दाल बिकॉज मशरूम ऑलरेडी देयर एंड आई गोना टेक दिस अचार एज वेल तो चम्मच इज ऑलमोस्ट क्लियर सो आई गोना टेक सम अचार एज वेल क्योंकि पनीर का अचार मेरे लिए समथिंग न्यू है तो आई एम गोना ट्राई मच एंड ऊपर से धनिया इज देयर मुझे लगता है अचार हम अंदर ही रख लेंगे आई एम गोना लव दिस अचार आई एम प्रीटी श्योर This is actually yum. Thank you so much for watching and see you tomorrow with the next vlog in Sikkim itself. अभी हम टॉक में और इसके अलावा जो यहाँ मैं रुकी हूँ उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1,000 to 1,500 मतलब रुपये सो यू कैन एक्चुअली गेट इन टच विद देम विद द ब्रेकफास्ट थैंक यू